हटो ना, तो और ऊपर चलते हैं। पकड़ लिया। Hey, good morning everyone. Welcome to my new vlog. तो कैसे गाइस, आई होप कि अच्छे होंगे। और अभी सोचा हम, मैं बाइक पे फिलहाल बैठा हूँ, पीछे रुस्तम भाई बाइक चला रहे हैं और आगे में आपका परवीन, सिद्धार्थ भाई भी हमारे साथ है। अभी हम लोग फिलहाल आपके जा रहे हैं नारंगी की तरफ। पहले जाएंगे हम लोग आपका नेहरू स्टेडियम, क्योंकि वहाँ पे तीन चार लोग और हम लोग को ज्वाइन करेंगे। तो चलते हैं फिलहाल वहाँ पे, और थोड़ा नारंगी साइड में आपका वाटरफॉल है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं आपका नेहरू स्टेडियम, और यहाँ पे तो बहुत कुछ है आपका, पूरा क्रिकेट, स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। और हमारे साथ ये, इनसे मिलिए, इनको शायद आप लोग मिले होंगे, सिद्धार्थ। और इनका निक नेम हम लोग का बहुत प्यारा निक नेम है, क्या नहीं, इनका भी निक नेम बता, क्या नाम रखा गया इनका निक नेम? बिंदी, बिंदी। आप इतना धूप पे आए, आपका निक नेम नहीं पता है? नहीं, हमारा निक नेम तो आप लोगों को पता ही होगा, इनका निक नेम नहीं पता। तो इनका निक नेम हम लोग प्यार से रखे हैं, भिंडी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निक नेम नहीं है, प्यार से लोग बोलते हैं, बस कुछ ज्यादा ही प्यार दे देते हैं, वही ज्यादा दिक्कत होता है कभी कभी। तो पीछे में हमारे रुस्तम खड़े हैं, और इधर परवीन, और यहाँ पे हम हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा देर टाइम, उन लोग आने देते हैं, उसके बाद एक साथ चलेंगे हम लोग यहाँ से। किसका कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके आया था ये रहा, मेरा तुम्हारा स्कूल से आया था मैं, क्या इसी यहाँ के स्पोर्ट्स लेके आया खिलाने के लिए, परवीन को लेके आया था, परवीन पूरा चोर में गया, हमको पता था, फिर भी तुमको बुलाया था, सर अच्छा खेलता था इसीलिए, इसको बोला ये पूरा चोर में गया, स्पोर्ट्स ये बोला सर अंदर घुसता है, जैसे अंदर घुसा मुझे कुछ पूरा ऐसा, ये बोलते है ये लोग पहली बार आते, घुसने नहीं दिया अंदर में। इसका मुंह देखो तो इधर नेपाल हो पाए। यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी हम लोग का दो तीन लड़के आने का, उसके बाद हम लोग जाने वाले आपका बोंडा वाटरफॉल, जो नारंगी की तरफ है। यहाँ से आई थिंक 12 किलोमीटर होगा यहाँ से जाने के लिए। तो एक भाई ने आज हमको कॉल किया था, जिनका नाम सौरभ है, राजस्थान से कॉल किया था। तो शुक्रिया भाई, डेली ब्लॉग देखते हो आप, और प्रे करता हूँ आप लोग अच्छे रहो, आपका फैमिली हमेशा अच्छे रहे। गाइस थोड़ा जब तक वो लोग आ रहे हैं, जब तक हम लोग आपका ये नेहरू स्टेडियम का थोड़ा टूर कराते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारा गेम का यहाँ पे एडमिशन होता रहता है यहाँ पे आपका, जैसे कॉम्पू हो गया, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है। जो फर्स्ट वाला है तो हमारे भाई टूर कराएंगे आज। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं, ताइक्वांडो का है ये, असम ताइक्वांडो एकेडमी, ये असम ताइक्वांडो एकेडमी, यहाँ क्या क्या कंपाउंड होता है, चू चावल अलग होता है, ताइक्वांडो अलग होता है, ये ताइक्वांडो एकेडमी है, जो आप लोग को इधर दिखाइएगा जरा, आप देख सकते हैं बोर्ड को थोड़ा जूम करके दिखाइए आप लोग को, ये है ताइक्वांडो एकेडमी का, इसी के बगल में है मार्शल आर्ट्स, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका मार्शल आर्ट का है, जो आपका हमारे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हम लोग को भी ज्वाइन करना पड़ेगा मार्शल आर्ट, अपने काम का जो जो है मैं वो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तुम स्विमिंग बहुत पहले, मेरा भाई स्विमिंग क्लास ज्वाइन किया था, ठीक है, तो क्या हुआ था बताओ, कहानी बताओ उसके आगे का। गाइस मैंने कुछ दिनों के लिए बस ज्वाइन किया था, बट यहाँ का फैसिलिटी मुझे पसंद नहीं आया, फैसिलिटी पसंद नहीं आती, क्या चाहिए था मतलब, यहाँ पे सिर्फ बॉयज का होता था गाइस, समझ रहे हो आप, यहाँ में टाइमिंग अलग होता था, बॉयज टाइमिंग अलग होता था, इसलिए गाइस मैंने क्विट कर दिया। अभी तक भी वो लोगों ने नहीं आया, आपका 4 बजने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, और ज्यादा वेट नहीं करेंगे अभी हम लोग, यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं आपका बोंडा वाटरफॉल की तरफ, जो यहाँ से आई थिंक 12 किलोमीटर ही है। तो चलिए लेट नहीं करते, क्योंकि शाम होने वाला है, मौसम ऐसे भी ठंडा हो चुका है, तो चलिए यहाँ से फटाफट निकलते हैं हम लोग। तेरा मेरा दोनों का दिल बेसबर, बेसबर, बेसबर। So guys, finally हम लोग आ चुके हैं आपका बोंडा वाटरफॉल की तरफ, बट इधर ने तो नहीं है बोंडा वाटरफॉल, आपका अंदर में है, तो हम लोग को जंगल में जाना पड़ेगा, और टाइम भी 5 बजने वाला है। और आपको एक जन से मैं मिलाना चाहता हूँ, इससे पहले आप लोग उनको मिले होंगे हम लोग का कॉलेज वीक वाली ब्लॉग में, तो ये हमारे आशु भाई, तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमको, और इससे पहले भी भाई से मैं मिल चुका हूँ, और कोलाबेट वीडियो के लिए हम लोग बेसिकली आए हुए थे यहाँ पे,
बट यहाँ पे अभी टाइम बहुत लेट हो चुका है, तो फिलहाल चलते हैं भाई अंदर। हाँ अभी मतलब थोड़ा वे ट्रेकिंग करके जाना पड़ेगा, तो एडवेंचर टाइप का ये थोड़ा व्लॉग हो जाएगा, तो और भी अमेजिंग लगेगा। डर ज्यादा लगता है भाई शाम का समय इधर में, क्या है कि पूरा जंगल एरिया है ना आपका, तो कुछ भी निकल जाए अंदर से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। चलिए चलते हम लोग कोंडा वाटरफॉल की तरफ, वरना बारिश होने लगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ से रुस्तम भाई कैसे जंप करेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी रुस्तम भाई हम लोग का ये बहुत ही गहरा खाई क्रॉस करने वाला है कूद के, और ये तो आराम से रुस्तम गया। अरे इधर में कहाँ है? ओ भाई आप लोगों को शायद दिख रहा हो, अभी दिखाता हूँ मैं, यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ये बहुत ऊपर है बट हम लोग नहीं जा सकते इतना ऊपर। तो आइए गाइस कोशिश करते हैं थोड़ा ऊपर जाने का, कि इतना दूर तक आए हैं तो थोड़ा तो ऊपर जाना बनता है हम लोग का। तो हमारे पीछे पीछे दो हैं और हमारे आगे आगे और चार तीन लोग चल रहे हैं, कुछ भी होने से भाई है हमारे आगे में, तीनों देख लेंगे। तो आशु भाई और ऊपर चलना है, यहाँ पे और ऊपर, तो यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता हम लोग, जा सकता है तुम लोग नहीं जा सकता, बस चल के जाके दिखाओ, अकेला जाओ जाओ चल, एक चारा को भेजो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कितना ऊपर चले जाएंगे कि वापस नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग ने एक चारा डाला है आगे में, सामने में देख सकते हैं। सो गाइस हम लोग ने चप्पल यहाँ खोल दिया है क्योंकि स्लिप कर रहा है आपका चप्पल पहन के जाने से, तो बिना चप्पल का हम लोग ट्राई करते हैं, चप्पल खोल दिया हम लोगों ने, बिना चप्पल का जाते हैं ऊपर क्योंकि चप्पल पहनने से घड़ी लगता है रे भाई। तो और ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और आप लोग को ऊपर का थोड़ा व्यू देने की कोशिश करते हैं हम लोग, और क्या है, ओ माय गॉड, यहाँ से दिखाता हूँ आप लोग को, ये तो यहाँ का है और टॉप में आपका ये सामने वाला जगह, बट यहाँ नहीं जा सकते हम लोग, यहाँ जाने के लिए थोड़ा रिक्सी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं है। देख सकते हैं हम लोग और कुछ भाई लोग आ रहे हैं आपका साइड साइड से, बहुत ही हसीन वादियों में। बहुत ही मजा आ रहा है, व्यू बहुत बढ़िया है, काफी दिनों बाद ऐसे माहौल में आए हैं हम, पूरा नेचर, और इसको देखिए इस बंदर तो सबसे आगे हम लोग का, नेचर को पूरा यहाँ पे आप लोग आने से फील कर पाएंगे दोस्तों, नेचर का तो बात ही अलग है भाई। सो गाइस यहाँ से और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे ऊपर आने से और ऊपर जाने का मन करता है, यहाँ पे आने का मजा अलग लेवल का है, बट मजा तो है बट डर भी है, और ये सब जगह में ट्रेकिंग करना उतना इजी नहीं है क्योंकि पत्थर और पहाड़, और जो आपका मेन जगह पे था वहाँ पे ले चलने की कोशिश करता हूँ, पर मैं आगे आगे आप चलिए, हम गाइड आप लोग, चलिए परवीन भाई को ऊपर भेज दिए हम, और उसके बाद हम भी चल रहे हैं साथ में, तो इधर से चलते हैं। आजो 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 यार, उस तुम कैसे करेंगे गाइस, तुम चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा तो वहीं पे रह जाओ, कोई बात नहीं, गजब बेइज्जती है, चल रहा चल रहा, गाइस फाइनली हम लोग का अपना मेन डेस्टिनेशन जो था ये था यहाँ पे पहुँचना और इसका थोड़ा नज़ारा लेना, तो हम लोग अपने मेन डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, और थोड़ा आप लोग का साउंड आ रहा है वाटरफॉल के लिए, मेहनत देखिए कितना लगा यहाँ से चढ़ने में भाई, ये सब क्या उड़ रहा भाई बटरफ्लाई का बड़ा वाला गैंग सब इधर में ही, मेहनत देखिए गाइस आपके, आपको ये सीन दिखाने के लिए कितना किया है, अरे गुरु गुरु तुम तो एनिमल लवर था, एनिमल लवर इंसेक्ट लवर नहीं, ओ मां। आशु भाई कैसा लगा यहाँ पर आके? आके हालत खराब हो गया पहला बात, लेकिन जो होता है ना कि हार्ड क्लाइम के बाद अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा देखने मिलता है, तो वही है भाई, मतलब बहुत मुश्किल करके ट्रेकिंग करके आए थे बट अच्छा व्यू देखने मिला, देख सकते हो भाई, हटा ना ये क्या है, हटाओ ना बे, ओ बे बच गया सिद्धार्थ बेबी, दैट्स व्हाई आई से कम टू असम।
लेट्स क्विट आवर वाटरफॉल जर्नी। सो गाइस यहाँ से फिलहाल हम लोग निकलते हैं, हम लोग नहाए नहीं क्योंकि हम लोग ने कपड़ा उपड़ा लेकर भी नहीं आया था और ठंड टाइम भी शाम का समय है ना, तो अभी नहीं नहाने से बेटर रहेगा हम लोग के लिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का इधर जरूर नहा के जाएंगे हम लोग वाटरफॉल में। अगर आते हैं नेक्स्ट टाइम में तो फिलहाल यहाँ से चला जाए हम लोग। बहुत हम लोग देखने के लिए आया था, बेसिकली व्यू लेने के लिए, नेचर का मज़ा लेने का बात ही अलग है। इसलिए हमारे भाई लोग हमारे ब्लॉग शूट करने के लिए पूरा अपने जान पर खेल के आगे आगे चल रहे हैं, तो शुक्रिया आप लोग का आने के लिए इतना दूर। बहुत आपका YouTube का इनकम में से हम लोग का हिस्सा दे दीजिएगा, बस हो जाएगा। बहुत बहुत तेजस्वी लोग हैं भाई ये लोग। जरूर जरूर देंगे भाई पार्टी तुम लोगों को मैं। अरे पकड़ लिया। तो गाइस देखिए हम लोग वहां गए थे, वहां से अभी हम लोग उतर के यहां तक आए, बहुत दूर है यहाँ टॉप से। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं फाइनली, और नीचे जाना है। चलिए गूगल में हम लोग ने सर्च किया था बोंडा वाटरफॉल बोल के आया था, और ये ऊपर तो था बट गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था। हाँ अभी बारिश का मौसम होके रखा था, और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। रुस्तम तो गया बाइक लेकर, और पीछे में आशु भाई हमारे मोटर ब्लॉगिंग का थोड़ा वीडियोस डालते रहते हैं, तो एक चीज़ करूंगा आशु भाई का मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से आप लोग जरूर विजिट करिएगा, चैनल पे विजिट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे मेरे को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मतलब भाई का ये वाला जो वाटरफॉल है वो मतलब किसी ने मतलब डाला नहीं अभी तक, एक्सप्लोर उतना नहीं हुआ, हम भी चेकआउट किया था इसको, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि दो ही ब्लॉग आएगा, वो शाहिद का ब्लॉग आएगा एक मेरा ब्लॉग आएगा। अभी फिलहाल निकलते हैं हम लोग, और फिर घर जाके वीडियो एडिट करना पड़ेगा आप लोग के लिए, एडिट करके एंड अपलोड भी करेंगे। तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। सो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जस्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय टेक केयर। तो हमारा गाड़ी आ चुका है, हमारा ड्राइवर बाबू, चलिए।